नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो सबसे बड़ा पोर्शन है इंजीनियरिंग सेक्टर, उसके बारे में। एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि एक्चुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर होता क्या है और उसके जो कॉम्पोनेंट्स है उसमें इंजीनियरिंग सेक्टर का क्या योगदान है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि नाम से ये पता लग रहा है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आती है। तो आपने सुना होगा कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2 और 3 की हम बात करते हैं। तो 1 में जो हमारा हैवी इंडस्ट्रीज थी, जो बड़े बिग प्लांट, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ये सारा हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट 1 हो जाता है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें जो कंप्यूटर आए, नए लैपटॉप आए, उसके बाद और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आए, ये सारा जो हमारा पोर्शन है ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 का पार्ट हो जाता है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हम बात करते हैं उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन की जो जनरेशन है उनकी विकसित हुई, वो उसके बाद जो फास्टर वायरलेस कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद स्मॉलर जो IoT डिवाइसेज है ये आए। अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4th में आ गए हैं, जहां हम AI की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो ये जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टेजेस हैं, लेकिन हर एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है उसका अपना अपना योगदान है और स्टिल आज तक अपनी एक बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमिक्स में एक साइकिल है, अपना एक पूरा योगदान है जिससे कि पूरे देश और दुनिया चल रही है। तो इसी सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है इंजीनियरिंग सेक्टर। अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर को मोटा मोटा 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक हैवी इंजीनियरिंग हो जाता है और एक लाइट इंजीनियरिंग हो जाता है। तो हैवी इंजीनियरिंग में जैसे कि हमारी जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी मशीन्स जो हमारी बन रही है, CNC हो गई, चाहे वो हमारा बड़े जो इंडस्ट्रियल्स है हमारी, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे स्टील की हो, चाहे और कोई ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर बड़ी मशीन्स लग रही हैं, वो हमारा हैवी इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। जो कंपनीज वो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, ABB, सीमेंट्स, ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, रेलवे के बहुत कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं, जो बड़ी हैवी इंजीनियरिंग का काम है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हैवी इंजीनियरिंग में आ जाता है। यही अगर हम लाइट इंजीनियरिंग की बात करें तो जो हमारे स्मॉलर प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा हमें बड़ा जो इक्विपमेंट है वो नहीं बनेगा हमारा, जैसे कि हम बात करें मोबाइल, हमारा लाइट इंजीनियरिंग है। साथ में हमारे जो स्मॉलर मैन्युफैक्चरिंग जो हम बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस की, कि जो BP की मशीन है, ये सब हमारा लाइट इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। अगर हम टोटल एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसका जो 27% का जो पार्ट है वो हमारा इंजीनियरिंग से होता है। तो आज हम आपके लिए 2 कंपनी लेकर आए हैं। तो पहली हमारी कंपनी जो है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है और दूसरी डायनामेटिक टेक्नोलॉजी है। तो दोनों जो हमारी कंपनीज है उसके बारे में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के चार्ट क्या हमें बताना चाह रहे हैं और भविष्य में उनमें किस तरीके की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो आज की हमारी पहली कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं इक्विपमेंट्स, उस इक्विपमेंट्स को ये वाली कंपनी जो है रेंट पे देती है, जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाली कंपनीज हैं उन कंपनीज को ये सारे इक्विपमेंट्स खुद खरीदने ना पड़े। बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, सपोज़ वो एक रोड की कंस्ट्रक्शन करने गई और उसको 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की एक रोड कंस्ट्रक्शन करनी है अलग अलग डेज पे, तो उसके लिए अपना इक्विपमेंट खरीदने से बेहतर है कि वो 10 किलोमीटर के लिए पहले 3 दिन के लिए रेंट पर ले ले और फिर उसके बाद 100 किलोमीटर के लिए, जो कि उससे लगभग 10 गुना है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा डेज ना लगे, उसके लिए उसे 20 दिन लगे, तो वो 20 दिन के लिए रेंट पर ले ले। तो ऐसे इन कंपनीज का जो एक्सपेंसेस है वो कम हो पाते हैं और वो अपना जो बाकी जो इनका रेवेन्यू का सोर्स है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हम चार्ट की बात करें तो हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के चार्ट जो है वीकली का लेकर आए हैं। चार्ट पे आप देखेंगे 3 हमारी लाइन है, नीचे ये रेड कलर की लाइन है जो कि हमारा एक लोअर लेवल है जो सपोर्ट का है, ऊपर की तरफ हमारा एक अपर 1 है और अपर 2 है। करंट LTP की हम बात करें तो 231 रुपये का इस समय ये स्टॉक चल रहा है, लोअर लेवल हमारा 204 रुपये का है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो लगभग हमारा 27 रुपये का डिफरेंस आ जाता है
और ऐसी अपर वन अपर टू के साथ निकालेंगे तो हमारा 78 और 209 रुपए के आसपास का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 2018 का यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में तेज़ी आई थी, ऊपर गया, और जैसे ही जो LTCG टैक्स की जो एक अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद से मार्केट में एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हो गया था, वहाँ से लेके ये स्टॉक नीचे की तरफ चलता रहा और बहुत प्यारा एक जो है हम बात करें नीचे आया कि हमारा एक वेव हो गई, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया वापस। तो एक वेव काउंट अगर कोई करना चाहे तो आराम से कर सकता है, इतना क्लियर चार्ट बना है। उसके बाद वापस ऊपर की तरफ चलने लगा और अब आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिली थी 2021 में, और उसके बाद से वापस एक रेंज में काम कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके अंदर ही काम कर रहा है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो 2018 में 204 रुपये के इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, और अभी भी जब 2021 में ऊपर गया तो तब से लेके 204 रुपये के ही ये सपोर्ट लेवल इसने बना लिया है और अब यहीं पे काम करके वापस ऊपर की तैयारी कर रहा है। अगर हम दोनों जो हमारे ऊपर लेवल है उनके रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमारा 2.88 और 7.74 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो अगर अब यहाँ पे हम देखें कि एक ग्रीन कैंडल लास्ट वीक हमारी आई थी, अब दोबारा फर्दर एक इसमें ग्रीन कैंडल देखने को हमें मिलेगी, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी जिसका लेवल 238 का है। जैसे ही 238 ये कट करके ऊपर जाएगा उसके बाद हमारे 309 के लेवल बहुत जल्दी हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग 45 डेज के अंदर ही हमारे वाले लेवल आने की संभावना है। अगर हम अपर टू की बात करें जो कि हमारा 440 के लेवल है, उसके लिए पहले 309 पे एक अच्छा सपोर्ट इसको बनाना पड़ेगा एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी को, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद ये बहुत तेज़ी से फिर वापस ऊपर जाएगा और हमें 440 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर हम टोटल टाइम फ्रेम की बात करें कि कितने समय में हमारे वाले लेवल आ सकते हैं, तो लगभग 7 to 8 मंथ्स के अंदर हमें 440 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 90% के आसपास के ये रिटर्न बन जाते हैं, जो कि हमें आगे आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज की हमारी दूसरी कंपनी है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी एक इंजीनियरिंग की कंपनीज है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स और जो बड़े इंजीनियरिंग जो हमारे सेटअप्स होते हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं। तो हम डायनामेटिक के चार्ट पे बात करें तो हमारा ये डेली का चार्ट है और लगभग जुलाई 2021 से लेके अभी तक का चार्ट है। सेम चार्ट पे आप देखेंगे तीन लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, नीचे रेड लाइन जो हमारी लोअर है, उसके बाद ग्रीन अपर वन और अपर टू हो जाता है। आप देखेंगे लास्ट ईयर जुलाई से लेके सितंबर तक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स आई और लगभग 1600 के लेवल से जो चार्ट था वो लगभग 3200 चला गया, 4 महीने के अंदर हमें 100% के रिटर्न देखने को मिले। फिर मार्केट में सबको पता लग गया, उसके बाद लोगों ने एंट्री करी और उसके बाद से ये स्टॉक एक करेक्शन में काम कर रहा है। अभी रिसेंटली हम देखेंगे तो यहाँ ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसको कट करके यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ली, फिर रेजिस्टेंस ली, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये ऊपर गया और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, उसके बाद वापस नीचे आ गया और ये जो हमारा मूविंग एवरेज आ रहा है इस पे आके इसने सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ देखेंगे छोटी छोटी 2-3 ग्रीन कैंडल बनी है, चार्ट की फॉर्मेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। लेवल की बात करें हमारा LTP अभी 2300 के आसपास है, नीचे की तरफ हमारे 2000 के लेवल है, माइनस करें तो 302 के आसपास के हमारे लेवल बनते हैं। ऐसी अपर वन अपर टू को करेंगे तो 940 और 1996 के हमारे लेवल बन जाते हैं, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 3.11 और 6.61 के हो जाते हैं। चार्ट की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत बढ़िया है, बस यहाँ पे एक चीज़ क्या बची है, यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल बनेगी 3-4 बड़ी बड़ी और स्टॉक के प्राइस ऐसे है जो ग्रीन कैंडल है इसमें ऊपर जाएगा, लगभग 2800 जाने के बाद वापस थोड़ा सा करेक्शन करके फिर तेज़ी से ऊपर जाएगा और लगभग हम तब जाएंगे यहाँ पे 3600-3700 के आसपास, उसके बाद वापस एक करेक्शन होगी और फिर हम 4300 के आसपास चले जाएंगे। तो अगर हम 3200-3300 के जो हमारे लेवल है उसकी बात करें तो वो ये वाली जो कैंडल के साथ ब्रेकआउट आएगा उसके लगभग 45 से 60 डेज के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद
जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला जो टाइम पीरियड है 2-3 महीने 4 महीने की यहाँ करेक्शन होगी, उसके बाद जब ये वापस चलेगा तो हमारा 3300 से 4300 के लेवल आएंगे, जो कि उसके फर्दर जो डेज है 60 डेज उसके अंदर आएंगे। तो टोटल एक टाइम फ्रेम की हम बात करें कि 2008 जो हमारा नीचे का लेवल था और अभी हमारा 2300 चल रहा है, 2300 से 4300 के जो हमारे लेवल है उसमें हमें कितना समय लगेगा, तो लगभग 7 से 8 महीने का हमें इसमें भी समय लगेगा। और टोटल रिटर्न की बात करें तो लगभग 85% के रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे इस 7 से 8 महीने के अंदर। तो एक बहुत बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन हो गई है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आने वाला है। ये एक एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट है जो कि हम जो एनालिसिस करते हैं एजुकेशनल पर्पज से उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हमारी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से लेना है। ये जो भी हमने अभी एनालिसिस करी है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।